वाहे गुरु वाहे गुरु धन्वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी वाहे गुरु वाहे गुरु चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए एहो मार्ग संसार को नानक थेर नहीं खोए जो उपजो सो बिनस है परो आज के का नानक हर गुण गाए ले गुण गाए ले छाट सकल जंजा अपने कर्म की गत में क्या जानो मैं क्या जानो बाबा रे अपने कर्म की गत में क्या जानो मैं क्या जानो बाबा रे मैं क्या जानो बाबा रे मैं क्या जानो बाबा रे अपने कर्म की गत में क्या जानो मैं क्या जानो बाबा रे कर्म की गत में क्या जानो मैं क्या जानो बाबा रे नरु मरे नर काम असो मरे दस काज सवारे पसो मरे दस काज सवारे अपने कर्म की गत में क्या जानो मैं क्या जानो बाबा रे अपने कर्म की गत में क्या जानो मैं क्या जानो बाबा रे
हाट चले जैसे लकड़ी कतूला, हाट जले जैसे हाट जले जैसे लकड़ी का तोला, लकड़ी का तोला, हाट जले जैसे लकड़ी का तोला, केस जले जैसे घास का तोला, केस जले जैसे घास का तोला, अपने कर्म की कत में क्या जानो, मैं क्या जानो बाबा रे, अपने कर्म की गत में क्या जानो, मैं क्या जानो बाबा रे, मैं क्या जानो बाबा रे, अपने कर्म की गत में क्या जानो, मैं क्या जानो बाबा रे, अपने कर्म की कहो कबीर तब ही नर जागे, कहो कबीर तब ही नर जागे, चमका डंड मुंड में लागे, चमका डंड मुंड में लागे, अपने कर्म की गत में क्या जानो, मैं क्या जानो बाबा रे, अपने कर्म की गत में क्या जानो, मैं क्या जानो बाबा रे, हाट जले जैसे लकड़ी का तोला, कभी हाट जले ज्यों लकड़ी, हाट जले ज्यों लकड़ी, केस जरे जो घा, यो जग जरता देख के भयो कबीर उदा, हाट जले जैसे लकड़ी का तोला, केस जले जैसे घास का तोला, केस जले जैसे घास का तोला, अपने कर्म की गत में क्या जानो, मैं क्या जानो बाबा रे, अपने कर्म की गत में क्या जानो, मैं क्या जानो बाबा रे, 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 गुरबाणी का ये महान पवित्र शब्द
बाबा कबीर साहब जी का, बाबा कबीर साहब जी हम कलयुगी जीवों को समझाने का यत्न कर रहे हैं। बाबा कबीर जी कहते हैं, राहु की तुक है शब्द को समझने के लिए, राहु की तुक पढ़ेंगे तो हमको समझ आएगा कि बाबा जी हमको क्या कहना चाहते हैं। पूरी शब्द के अंदर, पूरी गुरुवाणी के इस शब्द में क्या बोलना चाहते हैं। राहु की तुक है अपने कर्म की गत में क्या जानो, मैं क्या जानो बाबा, मैं अपने कर्मों की गत नहीं समझ सकता है। ऐ मेरे मालिक, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, क्योंकि मैं संसार की तरफ देखता हूं कबीर। हाट जरे जो लाकरी, इस जरे जो घास, एहो जग जरता देख के भयो कबीर उदास मन भर गए। बाबा मैं तेरी गत को समझ नहीं सकता, दुनिया की तरफ मैं देखता हूं, अरु मरे नर काम न आवे, पशु मरे दस काज सवारे, इंसान की क्या वक्त है। बाबा मैं देख रहा हूं संसार को, सच्चाई है ये, एक बार इंसान मर जावे किसी काम का नहीं है, पर पशु मर जावे तो दस काम का है। जीवंदा भी काम का है, मरने के बाद भी काम का है। एग्जाम्पल दिया है बाबा कबीर साहब जी ने, क्योंकि गुरबाणी को हम समझने का यत्न करेंगे तो गुरबाणी एक आईना है जो हमको सच्चाई बताता है। एग्जाम्पल के तौर पे, मिसाल तौर पे एक गाय को ले लें, एक भैंस को ले लें। देखो गाय जिंदा है तो हमको दूध देती है, उसका हर अंग हमको काम में आता है। जैसे मानो उसका गोहा भी काम में, गोबर भी काम आता है। जूंदे वो हमको बहुत सुख देती है, बैल भी हमको बहुत सुख देता है, भैंस भी हमको बहुत सुख देती है, पर मोए के बाद भी, मरने के बाद भी देखो वो जानवर कितने काम के, गां भैंस डोर कितने काम के। एक एक वचन का खुलासा किया है गुरबाणी ने, कहते हैं जी अगर भैंस गां मर जाती है, बैल मर जाता है, तो अब मरने के बाद देखो क्या मिलता है हमको उससे। सबसे पहले उसका स्किन, उसका चमड़ा जो है, हम शू पहनते हैं, बेल्ट पहनते हैं, बहुत कुछ हमको उसमें से पदार्थ बन जाते हैं, स्किन से, चमड़े से। उसके बाद जे अगर उसका मांस बचाए तो गिद्ध खाते हैं, कुत्ते खाते हैं, बिल्ले खाते हैं। उसके बाद देखो उनको भी आहार मिला, रिजक मिला, गिद्ध का, कुत्तों का, बिल्लों का पेट भरा। उसके बाद देखो हड्डियां भी है, हड्डियां। अब मानेंगे आप, देखो साइंस ने इतनी तरक्की करी, आप भी समझते जो सुन रहे हैं, हड्डियां भी बहुत काम किए हैं। आप देखो शक्कर को, ये शक्कर किससे वाइट होती है, सफेद कैसे होती है, हम लोग नहीं गुरबाणी कह रही है। शक्कर को वाइट किया जाता है हड्डियों के मसाले से करके। बाबा जी कह रहे हैं देख प्यारे या, वो एनिमल, वो जानवर जीवंदा भी काम का है लेकिन मरने के बाद भी काम आया, पर ए बंदे यार तू मर जाए किसी काम का नहीं है। क्यों नहीं, क्यों नहीं तू इसकी कीमत समझता है। इस मनुख जन्म ऐसा जन्म है, बाबा जी कह रहे गुरबाणी के, तेरा ये जन्म है तो बहुत अनमोल, अमोलक है, इसकी कीमत हम अदा नहीं कर सकते हैं। एक एक हमारा अंग बेश कीमती है लेकिन हम इसकी वक्त नहीं करे, कदर नहीं करे शरीर की। बाबा जी ने हमको संसार के अंदर भेजा है प्यारिया, ठीक है संसारिक रहना है, गृहस्थी भी रहना है, परिवार भी चलाना है, कारोबार भी करना है, पर उस मेरे मालिक का शुक्राना भी करना है। देख प्यारे, फिर जे अगर परमात्मा का शुक्राना नहीं किया तो तेरे में पशु में कोई फर्क नहीं है। देख बाबा जी बार बार कह रहे, देख जे अगर तू तो प्रभु को याद करता है,
तो तू प्रभु का ही रूप बन जाता है। बाबा जी कहते हैं हर हर जन दो एक है, बिप विचार किछ ना है, जलते उपज तरंग जो जल ही लिखे समाए। तू प्रभु की अंश है और प्रभु से समा जाते हैं। पर जे अगर तू कर्म करेगा बुरे बुरे कर्म मीन्स जो हम लोग बोल भी देते हैं, बाबा जी की बाणी में भी आता है, अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता मैं जे मरे सर्प जोन वल वल अवतरे। जे हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी की तरफ है, पैसे की तरफ है, माया की तरफ है, तो गुरुवाणी कह रही है तेरा यकीन मानना तेरा अगला जन्म जो होएगा मनुष्य का नहीं होगा और ना तो परमात्मा से मिलेगा, तो वापस 84 लाख जोनियों में भटकता रहेगा, तुझे सर्प की जोन मिल जाएगी। बच फिर कहते अंतकाल जो स्त्री सिमरे ऐसी चिंता मैं जे मरे बेसवा जोन वल वल अवतरे। जे काम के अंदर तेरा ध्यान है, साईं को याद नहीं कर रहे, सिर्फ काम की तरफ तेरा ध्यान है, बाबा जी कहते बेशवा जोन वल वल अवतरे। वाणी तो हमको हर तरफ से अलर्ट करती है, अंतकाल जो लड़के सिमरे ऐसी चिंता मैं जे मरे सुकर जोन वल वल अवतरे। हम लोग बोलते औलाद बच्चे पुत्र थी नहीं प्यारिया, बाबा जी कहते प्यारिया तेरा ध्यान जी औलाद के अंदर चला जाता है तो क्या होता है, बाबा जी कहते सुअर की जून मिलेगी। हम नहीं कह रहे प्यारे, गुरवाणी कह रहे अंतकाल जो मंदिर सिमरे ऐसी चिंता मैं जे मरे प्रेत जून वल वल अवतरे। जी अगर हमारा ध्यान प्रॉपर्टी में है, मकान में है, महलों में है, माड़ियों में है, बाबा जी कहते यकीन करना अगला जन्म तुझे भूत प्रेत का ही मिलेगा। पर गुरबाणी का निचोड़ क्या है, बाबा जी की बाणी क्या कह रही है, जे अगर आखिर में जाके एक बात बोली ऐ जी ऐ मनुष्य जे तेरे को सद्बुद्धि रब ने दी है तू समझ जाता है अंतकाल नारायण सिमरे। नारायण कौन है, प्रभु परमात्मा। अंतकाल नारायण सिमरे ऐसी चिंता मैं जे मरे बदत त्रिलोचन तीनर मुक्ता पितंबर वाके रीति रसे। जिसकी हृदय में रब बस जाता है वो साईं वो नारायण बस जाता है, प्रभु परमात्मा वाहेगुरु बस जाता है, तो इसमें कोई शक नहीं। बाबा जी की बाणी कहती है, त्रिलोचन जी की बाणी कहती है, गुरुवाणी गुरु ग्रंथ साहब के अंदर प्यारिया तू मुक्त हो जाता है, तू परमात्मा में एक मिक हो जाता है, क्योंकि तू परमात्मा की अंश है और परमात्मा से मिल जाता है। जिवें बाबा जी की बाणी बोलती है जू जल में जल आए खटाना त्यू ज्योति संग जोत समाना। जोत कहते परमात्मा को, हम परमात्मा की अंश हैं, बाबा जी कह रहे हम लोग नहीं कह रहे कि ऐ मनुष्य तू परमात्मा की अंश है, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पहचान हम अपनी पहचान भूल गए हैं। बाबा जी कहते पहचान तू परमात्मा की अंश है, साईं को याद कर ले, परमात्मा को याद कर ले, नीते दशा क्या है हमारी। हाट जले जैसे लकड़ी का तूला, केस जले जैसे घास का फूला, प्यारिया मिट्टी है और मिट्टी में ही रल जाएगा, मिट्टी बन जाएगा, साईं को याद कर ले। कैसे याद करना है, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जपो, वाहे गुरु 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 वाहे गुरु